सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के कुछ फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहले पुराने फोन को लेकर। हमें सवाल ये था कि अगर आपके फोन में हो भैया चंद्रमा तक जाने वाला जूम, तो आप ऐसे में कैसे उसको यूज करेंगे। तो आपने से बोला है मेजोरिटी ने कि भैया यूज तो करेंगे लेकिन कहीं और। फिर बोलते हैं कुछ कि भैया रोज रात को सोने से पहले, कुछ बोलते हैं शो ऑफ करने के लिए और कुछ बोलते हैं कि बस दो चार बार यूज करेंगे बाद में यूज नहीं करेंगे। फिलहाल दोस्तों ऐसे में आज का पोल बड़ा ही डिफरेंट और काफी इंटरेस्टिंग सा है। तो आप भैया मुझे बताओ ऊपर पोल में कि क्या आपको ये वीडियो अभी जो आप देख रहे हैं इससे पहले एड कोई दिखाई दिया या कोई एड दिखाई नहीं दिया। बताना दोस्तों जरूर कि क्या है आपके मन की बात, मतलब क्या है सच जो आपने भी महसूस किया ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में। और हमेशा हर बार की तरह मतलब आप भैया कमाल कर दे रहे हो। तो दोस्तों पूरी ताकत से फोन को ऐसे पकड़ के बस मतलब नहीं ज्यादा जोर से नहीं मतलब बस दबा दो सीधा लाइक बटन को। तो बात करते हैं पहले अपडेट को लेके, निकल के आता है यहाँ पे Huawei Watch GT 2e को लेके। इंडिया में दोस्तों ये वॉच जो है ये लॉन्च कर दी है Huawei ने, जहां पे ये एक इंटरेस्टिंग स्मार्ट वॉच है। और ऐसे में दोस्तों इसके जो प्री ऑर्डर्स हैं वो फिलहाल शुरू हो गए हैं। जो कीमत रखी है वो है 11,990 रुपए। स्पोर्टी सी है ये स्मार्ट वॉच। अब देखते हैं एग्जैक्टली कि इसके अंदर क्या कुछ नए फीचर्स होते हैं। हालांकि मेरे पास में इसका बॉक्स पड़ा है लेकिन मैंने उसको अभी तक ओपन किया नहीं है। अगर वो ओपन होगा, अगर टाइम मिलता है, तो आप उसकी अनबॉक्सिंग भी जल्दी ही एंजॉय कर पाएंगे। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहां पे हमारे पास में Xiaomi की तरफ से। और Xiaomi ने दोस्तों अनवील कर दिया है Xiaomi के नए Mi AirDots 2 SE। ये दोस्तों एक चीपर अल्टरनेटिव है Mi AirDots 2S के कंपैरिजन में, जहां पे दोस्तों जो डिबिया है वो थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की है और ऐसे में डिजाइन काफी कुछ दिखने में सेम लगता है लेकिन जो फीचर्स हैं वो थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं। अभी ऐसे में दोस्तों ये आते हैं करीब करीब 1700-1800 रुपए की कीमत के आसपास। वैसे आप दोस्तों बताओ कि क्या आप अभी जो ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं एक के बाद एक ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स, इनको खरीदने में वाकई में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहां पे हमारे पास में हैकर्स की तरफ से भैया, जहां पे हैकर्स ने दोस्तों डिमांड की है रैंसम $21 मिलियन की। यहां पे दोस्तों न्यूयॉर्क बेस्ड एक लॉ फर्म है जहां से दोस्तों ने चुरा लिया है 756 GB डेटा। और ये दोस्तों जो लॉ फर्म है ये रिप्रेजेंट करती है बहुत सारे पॉपुलर सेलिब्रिटीज को, तो मतलब जो डेटा है वो दोस्तों काफी कीमती सा है। और ऐसे में हैकर्स बोल रहे हैं भैया $21 मिलियन दे दो और डेटा ले लो, मतलब ले क्या लो, मतलब हम डेटा डिलीट कर देंगे जो भी है बिकॉज डेटा उनके कंट्रोल में फिलहाल 756 GB का। तो ऐसे में काफी बड़ी अमाउंट है लेकिन फिर डेटा भी काफी ज्यादा कीमती होगा। वैसे आज की दोस्तों दुनिया में, डिजिटल दुनिया में जो डेटा है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में सोनी स्मार्टफोन्स को लेकर। भैया ऑल टाइम लो परफॉर्म किया है सोनी स्मार्टफोन्स ने दोस्तों Q1 2020 में, जहां पे पूरी दुनिया भर में सारे दोस्तों अगर आप शिपमेंट जोड़ लें तो भी नंबर निकलता है सिर्फ और सिर्फ 4 लाख, जो कि बहुत कम है, ऑल टाइम लो है। मतलब 2014 में एक बार ये पीक पे था और फिर डिप 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 डिप। अभी क्या लगता है सोनी कब तक टिकेगा मार्केट में, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। अगला अपडेट दोस्तों निकल के आता है यहां पे मिरर की तरफ से। और ये दोस्तों लॉन्च करने वाले एक नई 5G चिप 18 मई को। ये दोस्तों हो सकती है Dimensity 800 प्लस और लगता है ये है शायद, क्या पता ऐसा हो सकता है कि जो Redmi Note 10 लाइनअप है दोस्तों, Note 10 Pro वगैरह, वो क्या पता इस पे बेस्ड आ सकते हैं जहां पे 5G का भी सपोर्ट मिल जाएगा। अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि MediaTek जो है वो इस लॉन्च में क्या कुछ नया हमको अपडेट करके बता देता है। अगली खबर का टुकड़ा निकल के आता है यहां पे Realme Buds Air Neo की तरफ से। और यहां पे दोस्तों ये भी बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं, जहां पे खैर इनके बारे में हम लीक काफी पुराने टाइम से सुन रहे थे। और ऐसे में दोस्तों ये आने वाले हैं माइक्रो यूएसबी पोर्ट के साथ में और दिखने में काफी होंगे बड्स नियो की ही तरह, लेकिन बड्स एयर की तरह बेसिकली। दोस्तों यहां पे कीमत काफी कम होने वाली है, मतलब 2000 के आसपास शायद Realme इनको इंडिया में लॉन्च कर देगा बहुत जल्दी। अगला अपडेट दोस्तों निकल के आता है यहां पे Xiaomi के 9bot इलेक्ट्रिक स्कूटर एयर को लेकर। और यहां पे दोस्तों ये जो है वो काफी फ्यूचरिस्टिक से डिजाइन के साथ में Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है। कीमत 2999 युआन करीब करीब 30,000 रुपए के आसपास। काफी इंटरेस्टिंग सा भैया तरीके वाली चीज है ये आसपास सफर करने के लिए और ऐसे में फोल्ड भी हो जाता है। क्या आप दोस्तों ऐसे में किसी ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर को या स्केटबोर्ड को या मतलब ऐसे किसी चीज को यूज करना पसंद करेंगे अगर आपको घर से बाहर निकलना हो, जो कि निकलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे फिलहाल हमारे पास में रियलमी टीवी को लेकर। और भैया ऐसे में लाइव दोस्तों इमेज निकल के आ गई है रियलमी के गोडाउन की, जहां पे हमको दिख रहा है क्लियरली दोस्तों बड़े बड़े जो है
है बॉक्सेस टीवी के, और ऐसे में एक चीज क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पे दोस्तों जो टीवीज है ये है 43 इंचेस के। अभी ऐसे में इंडिया में दोस्तों रियलमी टीवीज किस किस साइज में लॉन्च करता है, क्या वो 32 इंच, 43 इंच और 55 इंच का होता है या 65 इंच का भी होता है, वो तो खैर हमको आगे बाद में ही मालूम चलेगा। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है IQ Z1 को लेकर, और यहाँ पे भैया कंफर्म हो गई है इस फोन के अंदर कि हमको मिलेगी 44 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग, साथ दोस्तों डायमेंसिटी 1000 प्लस प्रोसेसर भी होगा। मतलब ये कुछ ऑफिशियल हमारे सामने पोस्टर्स निकल के आ गए हैं, फोन बहुत जल्दी लॉन्च भी होने वाला है, बस देखते हैं आखिर कीमत क्या होती है और ये फोन क्या इंडिया में आता है या नहीं। अगला अपडेट निकलता है दोस्तों यहाँ पे रियलमी की स्मार्ट वॉच को लेकर, इसको भी भैया ऑफिशियली टीज कर दिया है रियलमी ने और बात हो रही है सी यू सून, तो लगता है कि दोस्तों एक साथ ही ये सब चीजें आने वाली है, शायद ये बड्स, एयर नियो, टीवी और वॉच वगैरह। वॉच आखिर किस कीमत पे आती है वो एक बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज अगर दोस्तों सही कीमत पे लॉन्च कर दिया रियलमी ने तो डेफिनेटली शायद बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। अगला अपडेट निकलता है हमें हमारे सामने दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप को लेके, और ये फिलहाल अभी अवेलेबल हो गई है जियो फोन्स के लिए, तो ऐसे में दोस्तों लगभग जितने भी लोग हैं जो स्मार्टफोन यूज करते हैं उनके पास तो ऑप्शन है ही, और जो जियो फोन यूज करते हैं अब उनके पास में भी ऑप्शन आ गया है कि वो यूज कर पाए आरोग्य सेतु ऐप को। अगला खबर का टुकड़ा दोस्तों निकल के आता है शाओमी की तरफ से, और शाओमी 3-3 रेडमी बुक के मॉडल्स भैया बहुत जल्दी लॉन्च कर सकता है मई एंड तक। इनफैक्ट दोस्तों अभी यहां पे इंडिया में भी हम बात कर रहे हैं कि लैपटॉप लॉन्च करेगा शाओमी, अभी ऐसे में वो देखते हैं कि किस कीमत पे और आखिर कब तक लॉन्च कर देता है इंडिया के लिए स्पेसिफिकली लैपटॉप। अगला अपडेट दोस्तों आता है यहां पे iPhone SE 2020 को लेके, और ऐसे में भैया इसके अभी सेल जो है वो शुरू हो गई है, अभी दोस्तों 20 मई से जो है वो सेल हो जाएगी इसी की शुरू फ्लिपकार्ट पे, ऐसे में 38,900 रुपए की शुरुआती कीमत है अगर आपके पास में HDFC बैंक का कार्ड है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा सरप्राइज के साथ में इसी iPhone SE 2020 से जुड़ी हुई बहुत ही जल्दी, उसके लिए आप सभी इंतजार करिएगा। अगला अपडेट दोस्तों निकल के आता है OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro की सीरीज के लॉन्च को लेकर, दोस्तों ऐसे में इंडिया में जो सेल है बेसिकली वो शुरू होने वाली है 29 मई से, तो ऐसे में फाइनली भी इंतजार खत्म हुआ और लोग जो है जो भी इंटरेस्टेड है इस फोन में वो 29 मई से ऑर्डर कर पाएंगे और खरीद पाएंगे इसी लेटेस्ट फोन को जो कि आता है OnePlus की तरफ से। लास्ट दोस्तों अपडेट निकल के आता है GTA को लेके, और लगता है कि यार GTA 5 जो है वो फ्री मिलने वाला है, मतलब दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं डाउनलोड तो ऐसे में 21 मई तक का टाइम होगा डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों एपिक गेम्स जो है वो भैया गिव अवे अभी निकाल रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, और ऐसे में ये एक ट्वीट सामने आया था जो कि खैर बाद में डिलीट कर दिया गया, तो क्या पता ये दोबारा ट्वीट करेंगे या भैया गलती से हो गया है, जो भी है। जहां पर दोस्तों बात हो रही है 21 मई तक इस गेम को डाउनलोड करने की, और डाउनलोड करेंगे तो मतलब कोई ट्रायल डेमो ऐसा नहीं है, पूरा गेम आपका होगा भैया जिंदगी भर के लिए, तो ये काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। मतलब GTA 5 इतना बढ़िया सा गेम अगर आपको फ्री में मिल जाए तो मतलब क्या कहना दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।